हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाब एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो का चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर, जो कि सेंटेंस क्या हो रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो कि इंट्रेंस एग्जाम विद्याज्ञान क्लासेस इंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम करना चाहेंगे गुजारिश कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन में प्रेस कर दें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करे इसका लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो कि सेंटेंस, जो कि एग्जांपल के लिए, रोहन गोज टू स्कूल, रोहन गोज टू स्कूल, यानी कि ये जो कि सेंटेंस पूरी तरह सेंटेंस बना हुआ है, रोहन गोज टू स्कूल, प्लीज़ टेक योर सीट। अब यहाँ पर देख लीजिए, शब्द के समूह एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, अतः यह सभी सेंटेंस है, यानी कि जो सेंटेंस है पूरी तरह से पूर्ण है, इसलिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर आपको लोगों को दिखाया है। अब चले जाते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक सेंटेंस वाक्य के दो भेद होते हैं, नंबर एक सब्जेक्ट यानी कर्ता, नंबर टू प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता, इसका परिभाषा देख लीजिए, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट हुई समथिंग इज सेड, यानी कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, सुरेश इज ए स्टूडेंट, यानी कि सुरेश एक विद्यार्थी है, तो सुरेश के बारे में बताया जा रहा है, सुरेश इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए, वाक का वह भाग जिसके विषय में कुछ बताया जाए वह सब्जेक्ट कहलाता है, तो सुरेश इज ए स्टूडेंट, यानी कि सुरेश के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल टू, सीमा गोज टू होम, यहाँ पर भी देख लीजिए, सीमा के बारे में बताया जा रहा है, सीमा गोज टू होम, यानी कि सीमा घर जाती है। वाक में सुरेश और सीमा के विषय में बताया गया है, अतः सभी सब्जेक्ट कर्ता हैं। अब चलिए जानते हैं विधेय यानी कि प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट विधेय क्या है? द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में बताता है विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। एग्जाम्पल टू, द एलिफेंट हैज ए ट्रंक, द एलिफेंट हैज ए ट्रंक, यानी कि यहाँ पर बताया कि वाक का भाग जो कर्ता के विषय में बताता है विधेय कहलाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य में इज वर्शिप और हैज ए ट्रंक अपने से पहले आए सब्जेक्ट के विषय में बता रहे हैं, अतः ये सभी प्रेडिकेट हैं। यहाँ पर बताया गया कि वाक्य के पहले सॉरी फ्रेंड्स, ये जो इमेज है रिटेट हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, वर्क इज वर्शिप।